राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में आदिवासियों के डीएनए चेक करवाने को लेकर जो बयान दिया था वो मामला फूल पकड़ता जा रहा है। दिलावर के बयान पर राजस्थान के हिंदोली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो अब उनके लिए परेशानी का बाइस बन गई है। नमस्कार, मैं श्वेत जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कोटा में उग्र प्रदर्शन के वक्त दिया गया ये बयान अब अशोक चांदना के लिए परेशानी बन गया है। अब उन्होंने डीजीपी को अपनी सफाई में लेटर लिखा है। अशोक ने लिखा कि मैंने शिक्षा मंत्री की गाड़ी उड़ाने नहीं बल्कि गुड़ाने की बात कही थी। राजस्थानी भाषा में गुड़ाने का मतलब चलता करना होता है, लेकिन मेरे इस बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो गलत है। मैंने इस प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया है। बताते चलें कि अशोक चांदना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो शिक्षा मंत्री को चेताते हुए कह रहे हैं कि मंत्री जी क्या करेंगे डीएनए चेक करके, किसी दिन आदिवासियों को बीच रास्ते में मिल गए तो आपका ही डीएनए चेक कर लेंगे। समझ जाओ, इनकी सुनो, वरना किसानों ने मोदी भी हरा दिया था। पलटने में समय नहीं लगा और आपकी तो गाड़ी उड़ाने में भी टाइम नहीं लगेगा। बता दें, नीट के आयोजन में कथित गड़बड़ी को लेकर कोटा शहर में सोमवार को उग्र प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दो एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें पहली एफआईआर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अशोक चांदना, चेतन पटेल और सीएल प्रेमी का नाम शामिल है। वहीं मामले में कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दहन का कहना है कि पूरी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई थी। इस उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस से टकराव की स्थिति बन गई थी, इसलिए पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।